रिपोर्ट में मैं हूं अनामिका। जदयू के खिलाफ चिराग पासवान की लोजपा उपचुनाव लड़ने जा रही है। जी हां, उपचुनाव को लेकर के लोजपा की तरफ से 20 नेताओं को उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया गया है। जी हां, 20 नेताओं का सिलेक्शन जो है वो हो चुका है। लोजपा के प्रवक्ता चंदन सिंह ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पूर्व विधायक राजू तिवारी, प्रधान महासचिव संजय पासवान, पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे, संजय सिंह, संजय रविदास, शंकर झा, शाहनवाज अहमद कैफी, प्रणव कुमार, आसिम खान, अरविंद सिंह, सत्यानंद शर्मा, अजय कुशवाहा, राकेश रोशन, शुभम पासवान, इंदु कश्यप, रेणु कुशवाहा, पूर्व सांसद इमाम गजाली के साथ मुख्य प्रवक्ता अशरफ अंसारी को स्टार प्रचारक बनाया गया है। लोजपा ने तारापुर विधानसभा से चंदन कुमार और गुशेश्वर स्थान, जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है, वहां से अंजू देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के एनडीए की तरफ से जदयू दोनों सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं राजद ने भी अपने दोनों उम्मीदवार को इन दोनों विधानसभा सीटों से उतारा है। उपचुनाव में महागठबंधन से अलग हटकर के कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को दोनों दलों की ओर से मनाई जा रही है। चिराग पासवान, जहां अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि उनके सरकारी आवास 12 जनपद रोड पर मना रहे हैं, तो पहली पुण्यतिथि के तुरंत बाद इन सभी नेताओं को लोजपा की ओर से इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार प्रसार में रखने का निर्देश दिया गया है। चिराग पासवान ने इन दोनों विधानसभा सीटों पर मजबूती से उपचुनाव लड़ने का दावा किया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान से अंजू देवी और मुंगेर जिले के तारापुर से चंदन सिंह को प्रत्याशी बनाया। वो दोनों ही हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह के साथ चुनावी मैदान में होंगे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों प्रत्याशी लंबे समय से लोजपा से जुड़े हुए हैं। अंजू देवी दरभंगा जिला के महासचिव है और चंदन सिंह प्रदेश में पार्टी के युवा महासचिव है। तो फिलहाल इस पर इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।